शामी को मैं इंस्टाग्राम की मैं उनकी फॉलोअर हूँ और उसी से ही मतलब मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई, उसी के जरिए से मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई और मैं उनकी जैसे उनके लाखों फैंस हैं उसमें से एक मैं भी उनके नॉर्मल सी फैन हूँ। और मैंने उनको मैसेजेस किए जब वो क्या कहते हैं जब वो पाकिस्तान की ये ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद जब वो मैंने वो देखा सुना था, मतलब मैंने खुद भी नहीं देखा था लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना था कि ये उनकी पाकिस्तानी किसी फैन ने कोई मजाक बनाया, कुछ उनको गुस्सा आया और उनका कोई थोड़ा फाइट हुआ, तो मुझे बड़ा दिलचस्प था देखने का कि मैं देखूँ कि ये मोहम्मद शमी कौन है। तो फिर मैं उनके पेज पे गई और मैंने जब उनको मैसेज किया तो वहां से बस मेरी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई। अलिशबा, आप दुबई में मोहम्मद शमी से मिली थी? जी हाँ, मैं मिली थी। आपको कैसे पता था कि मोहम्मद शमी दुबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं? देखिए, दुबई तो मेरा आना जाना लगा रहता है वैसे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी रहती है वहाँ पे। और जहाँ तक शमी का, कहाँ रहती है आपकी सिस्टर? दुबई, आपकी सिस्टर दुबई में कहाँ रहती है? मेरी सिस्टर शारजाह में रहती है। शारजाह में? जी, शारजाह में मेरी सिस्टर रहती है। और शमी से मेरी वैसे ही बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं मुझे एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मेरी वैसी ख्वाहिश बड़ी, जब मेरी उनकी बातचीत हुई तो जाहिर है किसी कोई भी फैन होगा तो वो अपने सेलिब्रिटी जिनको आइडल को पसंद करता है तो वो मिलने की ख्वाहिश रखता है। तो इतनी सी बात थी कि मेरे दिल में उनके लिए बहुत वो था, बहुत एक रिस्पेक्ट भी है और एक बस ऐसी मेरी उनसे थी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मैं दिल चाहता है, जाहिर है अब ये नॉर्मल सी बात है, इसकी कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है कि इस तरह से मिलना। तो मुझे जब पता था कि ये वाया दुबई जो है ये होते हुए जाएंगे तो, और मुझे भी वही टाइम पे मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था दुबई, तो बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी भी फ्लाइट थी और इनको साउथ अफ्रीका से आना था। मोहम्मद शमी से दुबई में किस दिन मिली थी? मैं शमी से 18 की मॉर्निंग में मिली हूँ, क्योंकि मेरी रात की 17 की रात की फ्लाइट थी, तो मुझे पहुँचते पहुँचते मतलब नेक्स्ट डे 18 मतलब स्टार्ट हो गया था। मतलब तो रात को 12 बजे के बाद अगला दिन 17 की रात 18 की सुबह शुरू हो चुकी थी। जी जी। उसके बाद जब आप शमी से मिली एयरपोर्ट पर, 18 शुरू हो चुकी थी। आप एयरपोर्ट पे मिली, उसके बाद फिर आप क्या मोहम्मद शमी के साथ होटल गई? मैं वहां से अपनी बहन के घर गई थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनसे मैं मिलने आई हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 18 की मॉर्निंग? जी, 18 की। आप किस समय मिलने के लिए आई थी? किस समय? मैं अराउंड 8-9 बजे के दरमियान में आई थी उनसे मिलने। फिर आपने क्या किया जब आप होटल पहुंची सुबह? जी, मैं होटल पहुंची तो हम लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और वहीं से उनसे मुलाकात हुई, जैसे हम एक सेलिब्रिटी से मिलते हैं जिस तरह से, वैसे ही उनसे मेरी मुलाकात हुई। कितनी देर आप मोहम्मद शमी के साथ रही? मैं मैक्सिमम 1 घंटा बस हम लोगों ने साथ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बातें हुई और फिर वहां से मैं अपनी बहन के घर आ गई। मैं शमी के लिए उनको इस चीज से निकालने के लिए जो भी मतलब इस जो एलिगेशन लगाया इसको क्लियर करने के लिए आप जहां बोलेंगे मैं आ जाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। वो एक सच्चे इंसान है, वो कभी देश से तो बहुत दूर की बात वो गद्दारी कर ही नहीं सकते, ये बहुत ही घिनौना किस्म का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। जहां तक मोहम्मद भाई का जिक्र है तो मोहम्मद भाई को वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मेरी शमी से हाँ बात करते दौरान बीच में कभी एक दो बार उनके मुंह से ही मैंने उनका जिक्र सुना है, और वैसे पर्सनली मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और ना कोई लेना देना है मेरा उनसे, और पैसों की कोई बात ही नहीं है मेरे और शमी के बीच में, ना कुछ लिया ना दिया, कुछ पैसों का नहीं है, जस्ट फ्रेंड की तरह मैं उनसे मिली हूँ। उनके साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और वहां से मैं शारजाह अपनी बहन के घर चलेगी, बस इतनी सी बात है। और शमी ने बस उनकी इतनी गलती है कि वो मिस्टेकनली उनके मुंह से निकल गया, क्योंकि उनकी वाइफ का उनको नेचर पता है कि वो शकी हैं, तो उनके उस बात को कवर अप करने के लिए उनके मुंह से ही बात निकल गई कि मोहम्मद भाई से पैसे लेने थे अलिशबा को, क्योंकि वो नहीं समझ आया होगा, मैं समझती हूँ चीज उनके मुंह से निकली है, लेकिन उनको या उनको क्या मालूम था ये बात कि भाई ये बात इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया जाएगा कि वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, प्लान कर रही होंगी और रिकॉर्ड हो रहा होगा, उन्होंने बस इस वर्ड को ऐसा उन्होंने यूज कर लिया कि ये कहाँ से कहाँ बात निकल गई और इतना बड़ा बात का वसंगड़ बना लिया। मैं कुछ टाइम मैंने उनके साथ गुजारा है दोस्ती को, उतना ही कुछ टाइम हुआ है, लेकिन मैं मुझे इतने में समझ में आ गया वो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैं उनकी इसी चीज से इंप्रेस हुई थी कि जो भी था जैसा भी था सच बताते थे, और मैं सिर्फ इस चीज से इंप्रेस हुई थी कि ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं, तो वो अपने मुल्क के साथ कोई कैसे गद्दारी कर सकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है और बहुत शेमफुल बात है कि उनके ऊपर इतना बड़ा इन्होंने एलिगेशन लगाया।
और इंशाल्लाह ताला वो बेकसूर है, वो जरूर इससे निकलेंगे और मैं उनके साथ मौजूद हूँ उनको निकालने के लिए, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर जगह उनके साथ हूँ। नहीं किया है इस बात के मैं 100% श्योर हूँ और इंशाल्लाह ताला सच का ही साथ होगा, अल्लाह ताला उनको जरूर इस मुश्किल घड़ी से निकालेंगे। और एक पाकिस्तानी गवाही, जरा से बड़ी आपको क्या गवाही चाहिए।